देश में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरे विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सनातन को लेकर छिड़ी बहस के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधर्मियों को देश कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। आप जानते हैं ये सब दुखद है, ये सब दुखद। देखिए, जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। आप जानते हैं ये सब दुखद है, ये सब दुखद। देखिए, जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। दरअसल स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी, जिसके बाद सीपीआईएम नेता ई राजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी इससे मिलता जुलता बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जब सनातन धर्म पर हो रही बहस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस ढंग से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है वो दुखद है। हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पाठक के साथ उनकी पत्नी भी है। गुरुवार को डिप्टी सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और पूजन किया और प्रदेश के कल्याण की कामना की। वाराणसी में उनके कई कार्यक्रम हैं। शुक्रवार को वो रेड क्रॉस सोसाइटी की मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद विट्ठल रुक्मणी मंदिर जाएंगे और दोपहर के समय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।